बहु रेवेन्यू डिपार्टमेंट को चेतावनी देना चाहता हूं, अगर एमडी भारत भूषण की किसी ने भी अंदर से हेल्प की, अगर तभी बिहार के अंदर कोई भी अगर इलीगल किसी तरह की डिमार्केशन हुई, तो ये यकीन मानिए मैं फोटो दिखाकर उस इंसान को एक्सपोज करूंगा। आने वाले दिनों में इन लैंड ग्रैबरों की सूची जितनी जितनी मेरे पास आती जा रही है, मैं सब कुछ बताता जाऊंगा। और गोला शाह अकेला नहीं था, गोले शाह के साथ इनका जो स्टार्टअप था, इनको जो पीछे बैठा हुआ था, मजीद नाम का इंसान, आपने देखा होगा सिद्रा में सारे रेस्टोरेंट तोड़ दिए गए, सारे रेस्टोरेंट खत्म कर दिए गए, लेकिन एक रेस्टोरेंट चल रहा है वहां पे, वो मजीद का रेस्टोरेंट है। क्यों चल रहा है? उसने स्टे ले लिया। क्या बाकी जो रेस्टोरेंट वाले थे वो स्टे नहीं ले सकते थे? जब डीसी साहब ने बोल दिया कि वो इलीगल जमीन है, वो जमीन जो है उसका इंतकाल खारिज हो चुका है, तो वो रेस्टोरेंट कैसे चल रहा है? जबकि वो गोले शाह के साथ क्लब, जो ग्रेटर क्लास में क्लब है, उसमें भी इन्वॉल्व था वो बंदा, तो उस इंसान के ऊपर एक्शन क्यों नहीं? और तो और फारूक अब्दुल्ला साहब की कोठी जो खसरा नंबर छह में पड़ती है, और 21 खसरा नंबर की रजिस्ट्री किसने करवाई? मजीद ने करवा के दी, जो गोले शाह का पार्टनर था। अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है, जो गवर्नमेंट की, इन्होंने खा ली, जो 100 अरब रुपया इनका खाया है, जबकि एफसीआई का ऑर्डर है इंतकाल बरनाई की जमीन के भी खारिज है, और दिल्ली जो मेन रोड कंगयाल की जमीन है उसके भी खारिज है। उसके बाद भी आप मुझे बताइए, उसके बाद भी विजिलेंस जो है वो चलान पेश नहीं कर रही। आखिर विजिलेंस के ऊपर किसका प्रेशर है? शक्ति पाठक जी, बड़ी उम्मीद है मुझे, क्योंकि शक्ति पाठक जी जैसा ईमानदार और ऑनेस्ट ऑफिसर मैंने नहीं देखा। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं उनसे खुद मिलूंगा और पूरा चिट्ठा बताऊंगा, क्योंकि इसमें कौन से खसरा नंबर के इंतकाल खारिज हुए हैं आप भी सुन लीजिए। खसरा नंबर 7781 781 6 कनाल 10 मरला जमीन के अलॉटमेंट इंतकाल खारिज हुए हैं। फिर खसरा नंबर 817, खसरा नंबर 822, खसरा नंबर 826, खसरा नंबर 1010, और ये 33 कनाल 16 मरले जो जमीन है, इसको एफसीआई ने भी बोल दिया, इसको गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि ये जो जमीन है ये एक फ्रॉड है, ये कोई जमीन हमने अलॉट नहीं की हुई। तो ये आप यकीन माने, इसकी रजिस्ट्री कहां पे हुई? इसकी रजिस्ट्री किस पटवारी ने करवाई? वो है महेश चंद्र शर्मा। आपने पिंछले बंद कर दी, गरीबों को प्लाट नहीं दिए, लेकिन 100 अरब रुपया जो सरकारों ने इनसे लेना है, वो सरकार इनसे पैसा नहीं ले रही, इनकी जमीनें खाली नहीं करवा रही। वहीं पे मैं आपको बात करूं, एक और खसरा नंबर है, वो आप यकीन मानिए कि 35 साल कोर्ट में केस लड़ता है एक आदमी प्राइवेट जमीन के ऊपर, गवर्नमेंट को कहता है वो मेरी जमीन है, लेकिन गवर्नमेंट वो केस जीत जाती है। और आप यकीन मानिए कि अभी भी 19 खसरा नंबर 19 छन्नी कमाला प्राइवेट पार्टी केस हार जाती है, गवर्नमेंट केस जीत जाती है, उसमें अभी भी 5 कनाल जमीन जो है वो खाली पड़ी हुई है, लेकिन हमारे तहसीलदार बहू और हमारे एंटी करप्शन ब्यूरो के जो इन्वेस्टिगेटेड ऑफिसर है, उन्होंने 2021 में एप्लीकेशन दे दी थी कि हमें ये जमीन की डिमार्केशन दी जाए, ताकि 5 कनाल जो जमीन बची है कम से कम वो तो सरकार को मिल जाए, लेकिन नहीं। तहसीलदार बहू और ये बहू का जितना भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ये जनाब उसको आज तक डिमार्केशन नहीं दे रहे। और मैं बहू रेवेन्यू डिपार्टमेंट को चेतावनी देना चाहता हूं, अगर एमडी भारत भूषण की किसी ने भी अंदर से हेल्प की, अगर तभी बिहार के अंदर कोई भी अगर इलीगल किसी तरह की डिमार्केशन हुई, बेचारी कृष्णा बंती एक लेडी थी, रिफ्यूजन थी, उस लेडी के हस्बैंड का नाम था वाइफ ऑफ वो विडो है इस टाइम डिप्टी राम मुजफ्फराबाद की थी, उससे 16 कनाल बंधु रख में खसरा नंबर 48 की जमीन अलॉट होती है, रूल है, होती है रिफ्यूजन को, बड़ी लीगल अलॉटमेंट हुई ये वाली, लेकिन उसी का एल फॉर्म कुछ लैंड ग्रैबर और कुछ लोग रेवेन्यू के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया, उसी के एल फॉर्म की अटॉर्नी ली कोर्ट में अटॉर्नी लेने के बाद उस जनाब ने एक जमीन जो है मुट्ठी बरनाई में
मुट्ठी बनाई में 48 कनाल जमीन खसरा नंबर 664 और 663 प्लस फ्लोरा में 48 कनाल जमीन जो है वो अलॉट करवा ली। एल फार्म के ऊपर दूसरी जमीन भी अलॉट होगी, जबकि एल फार्म के ऊपर एक ही जमीन अलॉट होती है, एक ही टाइम में अलॉट होती है। और कृष्णा बंती को पता भी नहीं था। ठीक, कुछ तीसरा यहाँ पे भी इनकी भूख नहीं मिटी लैंड ग्रैबरों की। इसी कृष्णा बंती के नाम के अल्फाम के ऊपर एक और जमीन 30 कनाल 16 मरले मरले जमीन लॉट होती है दिल्ली मेन रोड गंग्याल में।